Hi friends, it's me Vivek and you are watching We Rock and Pop Musical Channel. तो आप लोगों की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट के ऊपर आज हम आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आया है कैश्यू सिटी एक्स 9000N वर्सेस यामाहा PSR i500 जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉम्पिटिटर है जो कि CTX सीरीज में कैशियो कंपनी की ओर से इंडियन अरेंजर की टॉप ऑफ द लाइन और आई सीरीज में यामाहा कंपनी की तरफ से यामाहा PSR i500 जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लोज्ड कंपेटिटर मॉडल है. तो प्राइसिंग की बात करें तो CTX 9000N फिलहाल 23,500 रुपए की MRP पे है और ये i500 24,000 रुपए की MRP पे है. तो केवल 500 रुपए का डिफरेंस है दोनों की MRP में. ये मैंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में. तो सबसे ज़्यादा प्राइस और फीचर की कंपैरेटिव बहुत क्लोजेस्ट मॉडल है. तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि सर दोनों को कंपेयर करके दिखा दीजिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, किस में फीचर्स ज़्यादा है, किस में क्वालिटी ज़्यादा है, किसकी की कैसी है, किस में क्या मिल जाता है, किस में क्या नहीं मिल जाता है. तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है लोगों की. वो सारी क्वेरी का आंसर आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा. तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिए तो आपकी सभी क्वेरी का आपको सॉल्यूशन उसमें मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट. तो अभी आप लोग ये देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कैशियो का 9000N और उसके नीचे हमने ये एडजस्ट किया है i500. तो दोनों की तुलना करेंगे. सबसे पहले फिजिकल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो CTX 9000N के अंदर आपको पियानो बॉक्स टाइप कीज मिल जाएगी और अपने i500 के अंदर इनिशियल ऑर्गन टच, ये आपको ऑर्गन स्टाइल की कीज मिल जाएगी. तो कौन सी ज़्यादा बेहतर है तो ये अपना पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि किसको कौन सी हिसाब की कीज ज़्यादा पसंद आती है. और यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के इस पैनल से. तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं तो पिच बेंडिंग व्हील दोनों में कॉमन है. तो मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाना चाहूँगा. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों में पिच बेंडिंग व्हील मिल जाएगी और असाइनेबल एक मॉड्यूलेशन बटन जो है वो सिर्फ कैशियो में अवेलेबल है. तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे हम कैशियो को देना चाहेंगे. फिर यहाँ पे हम पैनल की ओर देखें तो स्पीकर CTX 9000N हमें 15-15 वॉट के दो स्पीकर के साथ मिलेगा, मतलब टोटल हमें 30 वॉट देगा और i500 आपको 6-6-12 वॉट का आउटपुट देगा. मतलब एक ही स्पीकर आपका i500 से ज़्यादा पावरफुल है. तो यहाँ पे स्पीकर के मामले में 9000N विन कर जाएगा. फिर रियल टाइम कंट्रोलर्स की बात करें ये वाले तो ये सिर्फ हमें i500 के अंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि हमारे पास CTX सीरीज में बिल्कुल से नहीं मिलते. तो वो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे यामाहा को मिलता है. फिर यहाँ पे ये जो पैनल है साउंड, ये पूरी स्टाइल कंट्रोल पैनल, ये स्टाइल कंट्रोल पैनल यहाँ पे कैशियो की बहुत ज़्यादा एडवांस है. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 वेरिएशन मिलेंगे हमें और वहीं पे एक ही बटन के ऊपर कंपनी ने काफ़ी पैसा बचा करके एक सिर्फ मेन और वेरिएशन एक ही बटन को दो बार टैप करना पड़ेगा आपको, तभी जा कर के आप सिर्फ दो वेरिएशन एक्सेस कर पाएंगे. जबकि कैशियो में आपको चारों चार बटन सेपरेट दिए गए हैं, वो भी चार डबल वेरिएशन उसकी कंपेयर में मिल जाएंगे. इंट्रो इंट्रो एंडिंग का भी एक ही बटन मिलेगा. यहाँ पे इंट्रो और एंडिंग का आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा. फिर सिंक ऑन ऑफ के लिए भी डेडिकेटेड बटन है, एकॉम्पनीमेंट के लिए भी डेडिकेटेड बटन यहाँ पे
देखने को मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे साउंड कंट्रोल सिलेक्शन की बात करें, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये जो साउंड कंट्रोल पैनल है, इसमें डेडिकेटेड आपको सारे ये स्विच वगैरह मिल जाएंगे, पियानो सेक्शन, ऑर्गन सेक्शन, ये सब कुछ आपको डेडिकेटेड बटन, स्टाइल के लिए भी डेडिकेटेड बटन है। और यहाँ पे यामा की हम बात कर ले, उसमें कोई भी डेडिकेटेड कंट्रोल नहीं दिया गया है, आपको मैन्युअली ही नंबर एंटर करके सब कुछ करना है। जिसकी ये नंबर पैनल है, आप लोग ये देख पा रहे हैं i500 लिखा है, उसके नीचे ही ये सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। ये पूरा आपको सारा न्यूमेरिक कंट्रोल करना है, यहाँ से पूरा याद रख करके उसमें काम किया जा सकता है। फिर थोड़ा सा बीच में आते हैं सेंटर पैनल की ओर। तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो डेडिकेटेड कैटेगरी वाइज टोन, रिदम, सॉन्ग बैक, रिकॉर्ड, स्टार्ट स्टॉप का बटन है। फिर इसके नीचे फ्रेज पैड का ऑप्शन, यहाँ पे कैशियो का प्लस पॉइंट है कि फ्रेज पैड केवल कैशियो में ही मिल रहे हैं ये प्राइस में। यामा में मल्टीपैड फ्रेज पैड जैसी कोई भी फीचर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप देख पाएंगे दोनों को यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे पूरी पैनल ही खाली है, डिस्प्ले के नीचे कुछ भी दिया नहीं गया है। और यहाँ पे और रजिस्ट्रेशन बैंक की बात की जाए, देखिए कैशियो में मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, तो इसमें 8 बैंक है, तो मतलब 16 बैंक के अंदर 8, मतलब 16 × 8 128 टोन्स रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम यामा की ओर आते हैं, तो केवल 4x8 अभी भी सिर्फ 32 टोन की बैंक है, ओनली 32 और कहा 128, तो ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पे यामा में एक प्लस पॉइंट की बात करें, तो ये एक बहुत ही अच्छा है कि रियाज के अंदर तानपुरा वेरिएशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, या कोई स्टाइल के अंदर हो आप, तो स्टाइल के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, बेस है, ड्रम्स है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए बहुत ही एक अच्छी सुविधा है, जिसको यूज़ करने के लिए कैशियो में मैन्युअली मिक्सर मोड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें कैशियो की बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो कुछ यामा की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो और आगे बढ़ते हैं, तो कैशियो में भी ये न्यूमेरिक पैड हमें मिल जाएंगे। और एक अच्छी बात बताऊँ आपको कैशियो की, तो ट्रांसपोज ऑक्टिव शिफ्ट के बटन हमें डायरेक्ट डेडिकेटेड पैनल पे दिए गए हैं, और डायरेक्ट प्लस माइनस कर रहे। और यही पे यामा की बात कर ले हम, तो ट्रांसपोज वगैरह के लिए बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से प्लस माइनस के बटन से वापस वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो हम ऑपरेशन की दृष्टि पे देखें या फिजिकल ओवरव्यू लेके ये दोनों की बोर्ड का, तो यहाँ पे अल्टीमेट विनर कैशियो निकल के आ रहा है। और कुछ कुछ रियल टाइम कंट्रोलर की बात करें कि आपको लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादा मतलब डायरेक्ट टोन ऑन द फ्लाई एडिट करना है, तो कोई कोई लोगों के लिए यामा भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है यहाँ पे। तो दोनों कीबोर्ड अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों को लाइव चेक करने के लिए वी रॉक एंड पॉप म्यूजिकल में आप आइए, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर कीजिए, दोनों को एक एक नोट बजा के चेक कीजिए, तभी आप लोगों को आइडिया आएगा कि हमारे लिए इसमें अच्छा क्या है, क्या कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो आई विश कि फिजिकल ओवरव्यू आपका यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। और आगे बात करें फिजिकल ओवरव्यू में कनेक्टिविटी पॉड्स की, तो लेट मी तो कनेक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पे। तो CTX 9000 में हमें 24 वॉट का इनपुट है DC इन, फिर दो पैडल लगे के, पैडल वन एंड सेकेंड टू एक्सप्रेशन पैडल। ऑडियो इन, आप लोग नोट करें कि ये जो केबल देख रहे हैं, मैंने i500 में से आउटपुट फोन्स में से लेकर के इसी के इन में लगाया है। ये माइक का वॉल्यूम नॉब है यहाँ पे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस तरफ करेंगे, ये आप जो रॉड देख रहे हैं वो माइक लगी है मैंने, जो आप लोग अभी डायरेक्ट आवाज़ सुन पाएंगे। तो फिर ये फोन्स आउटपुट है और लेफ्ट राइट आउटपुट है। फिर यहाँ पे थोड़ा देखेंगे तो हमारा ये होस्ट डायरेक्टली
जस्ट अ सेकेंड, तो होस्ट यहाँ पे और ये आपका पेन ड्राइव स्लॉट। तो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे टोटली, तो लेफ्ट राइट आउटपुट सिर्फ 9000 IN में ये हमें देखने को मिल रहा है। आई फाइंड इट केवल हेडफोन का एक जैक है। फोन्स आप लोग ये डायरेक्टली हेडफोन्स लगा सकते हैं, वो सिर्फ आई फाइंड इट में सिर्फ ये फोन्स का एक जैक है, माइक इनपुट उसमें नहीं है। तो 9000 IN में ये माइक इनपुट विद द वॉल्यूम कंट्रोलर यहाँ पे मिल जाएगा। ऑडियो इन वो एक है ऑक्स इन उसमें दिया हुआ है, तो एक सिमिलर पॉइंट है। तो उसमें एक सस्टेन का एक ही पैडल लगेगा, तो इसमें दो पैडल लगेंगे, तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे एक पैडल ज्यादा लग जाएगा। इनपुट डायरेक्ट 24 वॉट का, इसके लिए हाई एफिशिएंसी स्पीकर्स वर्क कर रहे हैं। और आई फाइंड इट बैटरी पे चलेगा, जबकि 9000 IN बैटरी पे नहीं वर्क करेगा, क्योंकि ये 24 वॉट पे चलता है, वो आपका जनरली चलेगा 9 वॉट बैटरी और या फिर 12 वॉट एडेप्टर के ऊपर। तो हम यहाँ पे ये एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात हो गई। तो पेन ड्राइव कनेक्टिविटी बोथ कीबोर्ड में अवेलेबल है, और जबकि हमारे 9000 में भी पेन ड्राइव है, यूएसबी टू होस्ट दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे यूनिक फीचर में माइक इनपुट है, लेफ्ट राइट आउटपुट है और एक एक्स्ट्रा पैडल इनपुट है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में भी एक इश्यू आगे निकल जाता है। तो फिजिकल ओवरव्यू के अंदर भी मैंने आपको जैसे दिखाया, और फंक्शनैलिटी वाइज हम बात कर दें तो फ्रिज का ऑप्शन दोनों में है, लेकिन बैंकिंग कैशियो में ज़्यादा है। फ्रेस पेड का एक ऑप्शन यूनिक है। कनेक्टिविटी की बात हो चुकी, और जहाँ तक की साउंड एडिटिंग की बात है, तो 100 यूजर टोन इसमें सेव हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। 100 यूजर स्टाइल आ जाएंगे तो वो भी एक अच्छी बात है। हमारे पास CTX मैनेजर है, वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो कैशियो के यहाँ पे प्लस पॉइंट ज़्यादा निकल करके आते हैं। हम पैटर्न सिक्वेंसर है, सॉन्ग सिक्वेंसर है, तो यहाँ पे यामा के अंदर सिर्फ साउंड एडिटिंग के लिए DSP इफेक्ट है कुछ, और ये रियल टाइम कंट्रोलर है। तो कुल मिलाकर के CTX जो है हमारा फंक्शनैलिटी वाइज बहुत ही ज़्यादा आपता आ जाता है। और जहाँ तक यामा की बात करें, लिमिटेड फंक्शनैलिटी के अंदर, लेकिन जितना भी दिया है एक कंट्रोल वैल्यू के अंदर दिया है, इजी टू यूज़ है। तो दोनों कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है यूज़ करने के लिए। पर CTX के अंदर बहुत ही ज़्यादा फीचर फंक्शनैलिटी हमें कम पैसों में मिल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और यामा के अंदर कुछ कुछ टोन कम पैसों के अंदर अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और यामा का एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑडियो जो पेन ड्राइव के अंदर आप जो भी बजा रहे हैं, वो पेन ड्राइव पे MP3 फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इवन MP3 प्लेबैक भी इसमें मिल जाएगा, तो एक बहुत ही अच्छा बात है। और दूसरा यामा का प्लस पॉइंट ये है कि उसके अंदर USB 2 MIDI जो हम डायरेक्ट केबल से सप्लाई करते हैं डेटा, उसके साथ ऑडियो डेटा भी आप सेंड कर सकते हैं, मतलब इनबिल्ट साउंड ऑडियो कार्ड इसके अंदर बिल्ट इन है, राइट, बिल्ट इन आउट ऑफ द बॉक्स कीबोर्ड में, आपको कोई एक्सटर्नल साउंड कार्ड परचेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा। और कीज क्वालिटी हम दोनों के ही पसंद आया मुझे। ये बॉक्स या ऑर्गन, ये जो गेप है वो आपको सिलेक्ट करना है। ट्रैवलिंग के दरमियान मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि टूटने का कोई रिस्क नहीं रहता। तो और भी आप कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संडे लाइव सेशन के अंदर आपके सारे कमेंट्स पढ़ करके मैं उसके रिप्लाई दे दूंगा। तो आई विश अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अपने सारे म्यूजिकल फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आई विश आपकी सारी क्वेरी दूर हो चुकी होगी, अभी भी मैं पूछता हूँ। धन्यवाद।